हेलो बापू, हिंद बोल रहा हूँ। हिंद बापू, वो पिछली बार बात हुई थी ना, तो आप आने का प्लान बना रहे थे हिंदुस्तान। बापू वो ना अभी कैंसिल कर दो बापू, यहाँ ना महामारी फैली हुई है बापू, कोरोना वायरस। नहीं, हिंदुस्तान में फिलहाल तो कंट्रोल में है बापू, पर जिस तरीके से ये फैल रहा है ना दुनिया में, बड़ा रिस्क है बापू। तो फिलहाल आने का रहने ही दो बापू, है ना। और वहां पे ना अपना खूब ध्यान रखना बापू, ये बड़ी तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से। हाँ अब सोच लो ना, सिर्फ 3 महीने में चाइना से निकल के ईरान इटली होता हुआ पूरी दुनिया में फैल चुका है, न जाने कितनी तो जाने चली गई बापू। अब आपके यहाँ एक वायरस भी चला गया तो गजब हो जाएगा बापू। आप लोगों का बैच तो इतना सोशली कनेक्टेड बैच था ना कि तुरंत ही फैल जाएगा। तो बापू ध्यान से रहना, है ना। हाँ अरे बापू आप हंस रहे हो बापू, आप ना हल्के में ले रहे हो। नहीं, हल्के में मत लो, जहां जहां ये हल्के में लिया गया ना वहां सबसे ज्यादा रिस्क है इसका, बहुत सीरियसली लेना है इसको। नहीं, ये कब कही मैंने कि पैनिक में रहना है? ना तो पैनिक में रहना है ना हल्के में लेना है, सावधानी बरतनी है, प्रिकॉशंस, वो भी ज्यादा नहीं, 3-4 है बस, है ना। और वो बरतनी होगी, मेरी कसम है आपको। तो सबसे पहली बात तो ये बापू कि किसी भी कीमत पे नाक आंख और मुंह को बार बार छूना नहीं है। दूसरी चीज ये कि थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को सैनिटाइजर से साफ करना है, बा से कहना बाजार से जाकर ले आएंगे, और अगर ना भी मिले ना सैनिटाइजर तो कोई लोड नहीं है बापू, साबुन से काम चला लेना, ठीक है। और तीसरी चीज, खांसते और छींकते वक्त मुंह पे रुमाल या टिश्यू रखना है बापू, है ना। बस एक चीज ध्यान रखना, अब ना सोशल गैदरिंग बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, कोई धरना प्रदर्शन मार्च यात्रा कुछ भी नहीं, ठीक है बापू। ये सावधानी बरतनी है बापू, ओल्ड एज में ना रिस्क ज्यादा है बापू। तो बापू खुद भी बरतो और दूसरों को भी बताओ, पंडित जी, मौलाना, सुभाष बाबू, महादेव भाई, जो भी, चर्चिल, जना, जो भी मिले बापू, मिलके ना इंसानी कौम को जमीन पर जिंदा रखना है बापू, ठीक है। ठीक है बापू, मैं रखता हूँ, है ना। फिलहाल आने का प्लान कैंसिल कर दो, अगर सब सही रहा तो बाद में प्लान करेंगे बापू, ठीक है। चलो बाय बाय बापू। पीड़ा पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ए।